आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत होके, और आज सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के पेज पर जो मेरे को मौका मिला है, इससे मैं बहुत ही खुश हूँ और अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर हूँ और आप सभी लोगों से मुलाकात कर पा रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग मेरे को लाइव देख रहे हैं, जितने भी लोग मेरे को वीडियो के रूप में देखेंगे, वो सारे के सारे लोग जो कि आज कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से और हमारी बहुत ही गजब की वर्ल्ड क्लास कंपनी सिपशॉप से, वो सारे के सारे लोगों का स्वागत है। मेरी सारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, सारे के सारा पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का परिवार, आप सारे के सारे लोग, आप सारे के सारे लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। आप सारे लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है हमारे इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के ऑफिशियल पेज पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिस पेज से बात कर रहा हूँ, यही सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का ओरिजिनल ऑफिशियल पेज है और इसकी सफलता इतनी ज्यादा है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम इतना वर्ल्ड क्लास सिस्टम है कि इसकी सफलता को देख के कई सारे लोगों ने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के दूसरे दूसरे फेक पेजेस बना रखे हैं। तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अब इसको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की गरिमा को बने रहने दीजिए, इसमें हमारा सहयोग करिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का ओरिजिनल एक ही नंबर वन पेज है, इसी पेज पर जिस पर मैं लाइव हुआ हूं और हमारे लीडर, ये 7 डे 7 सीरीज में जो सारे के सारे लीडर अभी लाइव हुए थे, 6 लीडर्स अभी तक आ चुके हैं और आज मेरे को 7वां नंबर पे सौभाग्य मिला है इसमें आने का। साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबसे पहले भगवान का, उस ईश्वर का, क्योंकि उन्होंने क्या है, ईश्वर ने हम सबको मिलाया, हम सबको यहाँ तक पहुँचाया, हम सब का एक एक चीज हमारी जीवन में जो भी अच्छी हुई है वो सारा का सारा श्रेय भगवान को, ईश्वर को जाता है। तो मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ भगवान में और ईश्वर में, तो इसलिए उनका सब कुछ उन्हीं की तरफ से, उन्हीं की वजह से होता है। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माँ बाप का, जो कि हमको यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत ज़्यादा रोल है। मेरे पिताजी, मेरी माताजी और परिवार के बहुत सारे लोग, पूरी की पूरी फैमिली का, और ये जो परिवार है एक्चुअली वही हमारी खुद की एक उद्देश्य होता है जीवन में आगे बढ़ने का, क्योंकि हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए ही कुछ ना कुछ करता है। और परिवार ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया और आज मुझे खुशी है कि हम लोग सारे के सारे परिवार के लोग बहुत ही खुशी और खुशहाल, अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं, अच्छी तरीके से हम अपना जीवन बहुत ही बढ़िया तरीके से लग्जरी लाइफ के साथ बिता पा रहे हैं, क्योंकि हम सब लोगों का परिवार का पूरा रोल होता है आपकी जिंदगी में आपको कहीं भी पहुंचाने का। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने परिवार का, क्योंकि आज मुझे खुशी है ये आपको बताते हुए कि हम लोग एक ही छत के नीचे, जो कि हमारा बढ़िया आलीशान बंगला है, उसमें विला है, प्रेम प्रसाद विला, प्रेम प्रसाद विला जिस घर में मैं रहता हूँ उसमें भी मेरे माताजी का नाम प्रेमवती है और मेरे पिताजी का नाम राम प्रसाद है। तो एक वर्ड मैंने लिया है प्रेम और दूसरा वर्ड अपने पिताजी का प्रसाद, तो इस घर का नाम प्रेम प्रसाद विला है जहाँ से मैं आपको बात कर रहा हूँ। और ये इतना अच्छा आजकल हम लोग जीवन जी रहे हैं कि 4 पीढ़ियां इस घर में रह रही हैं। एक मेरे माता पिताजी हैं, मैं हूँ और हमारे बच्चे हैं, भतीजे हैं और आजकल उनके भी बच्चे हैं। तो ये बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि 4 4 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे, और हमारी सक्सेस को ना हम लोग मिलके एंजॉय कर रहे हैं। मैं देखता हूँ काफी सारे लोग सक्सेस होते हैं दुनिया में, और भी प्लेटफॉर्म पर सक्सेस होते हैं, सक्सेस तो काफी सारे लोग अवेलेबल हैं सक्सेस लेने के लिए, लेकिन सारे परिवार मिलके उसको एंजॉय नहीं कर पाता है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हम लोग सारे सक्सेस का जो जश्न मना रहे हैं वो सारे मिलके मना रहे हैं। और मैं दूसरा धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को,
जो कि बहुत ही गजब का स्कूल है उन लोगों का जो कि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं और आगे निकलना चाहते हैं। और मेरे जैसे लाखों लोग उस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में रह के अपनी जिंदगियां बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं और वो सारे सपने पूरे कर रहे हैं जो कभी उन्होंने जीवन में सोचा नहीं था। उन्हीं में से मैं एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का सिपाही हूँ, एक अच्छा स्टूडेंट हूँ उसका। मैं हमेशा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा कद्र करता हूँ, इज्जत करता हूँ और हमेशा हमेशा उसके लिए जो भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली जाती है मैं उसको पूरे श्रद्धा भाव से उसको पूर्ण करता हूँ, पूरा मैं उसमें लगा रहता हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ मेरे अप्लायंस जिन्होंने ये सिस्टम को क्रिएट किया, बनाया। मैं आप सब लोगों को एक बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज जब बनती है, कोई भी सिस्टम बनता है, कोई भी तरीका बनता है, कोई भी कल्चर डेवलप होता है या कुछ भी बनता है, उसको बनाने में बहुत सारे सालों का बहुत सारा संघर्ष होता है और एक ट्रैक बन जाता है फिर उन लोगों के माध्यम से जो कि हमारे क्रिएटर होते हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के जैसे क्रिएटर हैं, हमारे अग्रज हैं, हमारे अपलायन हैं, मेंटर हैं, हमारे गुरु हैं, वो लोग हैं मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी से शुरुआत होती है, मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी और मिस्टर संजय जैन और मिस्टर ओपी सर ओम प्रकाश जी और मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी, मिस्टर सुनहरी लाल जी, ये सारे के सारे लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का वो मजबूत आधार हैं जिनकी वजह से हम लोग एक इतना सक्सेसफुल सिस्टम बना पाए हैं। क्योंकि वो सिस्टम क्या है, आगे आगे आने वाले जितने सारे लोग हैं उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करके अपनी जिंदगियों में अच्छे तरीके से अपना ख्वाब पूरा कर पा रहे हैं। साथियों, मैं अपने अप्लायंस को एक एक लाइन जरूर उनके लिए बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले राजीव चतुर्वेदी जी से हमने क्या है, एक शालीनता सीखी, अच्छाई सीखी, एक अच्छा इंसान सीखा, एक शुद्ध आत्मा किस तरीके से होती है और एक पवित्र आदमी किस तरीके से रहता है, और बहुत सारी शालीनता भाव, बहुत सारा कुछ हमने उनसे सीखा। उनके साथ मेरे को पर्सनली काफी समय गुजारने का मौका मिला, अभी भी वो हमारे साथ रहते हैं। बीच बीच में हम जैन जी जो कि हमारे बहुत ही टेक्निकल गुरु हैं, उन्होंने सिस्टम के ऊपर बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट की, सिस्टम को बहुत कुछ प्रोवाइड किया, सिस्टम को बहुत कुछ दिया। आजकल हम जितनी भी चीजें, आप लोग जितनी भी चीजें फॉलो कर रहे हो वो सारी की सारी कहीं ना कहीं सिस्टम में उनके द्वारा लाई गई हैं और उनको इम्प्लीमेंट करवाया गया है। एक ऐसा ट्रैक बना दिया है उन्होंने कि इस ट्रैक पे चल के हम जैसे आप जैसे बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, ओपी सर से हमने जोश जज्बा सीखा, ओम प्रकाश जी से जोश जज्बा सीखा और वो इस बिजनेस को आगरा में लेके आए जिनकी वजह से हमको मौका मिला और इतने सारे आगरा के लोग डायमंड बने, आगे बढ़े और आजकल हम लोग क्राउन क्राउन एम्बेसडर बन रहे हैं। वो सब ओम प्रकाश जी का प्रताप है। एक शख्सियत का मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा, मैं बोलता हूँ आजकल मैं उनके घराने से आता हूँ क्योंकि उनका घराना अपने आप में बहुत ही कमाल धमाल है। उनका नाम है कमाल धमाल मिस्टर नरसी ग्रेवाल फ्रॉम हरियाणा और देवेंद्र शर्मा है उन्हीं के घराने से। मेरा घराना है मिस्टर नरसी ग्रेवाल फ्रॉम हरियाणा। दोस्तों, मुझे बहुत ही गर्व है, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं वो जिन्होंने हमको बहुत ज्यादा चेंज किया है, बाहर से भी हमारी सफलता जो आप देखते हो और इंटरनली हमारे अंदर जो आप सारे गुण, सारी बातें, कहानियां, किस्से, एग्जाम्पल, एवरीथिंग, जो भी चीज देखते हो लगभग उनका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा माइन्यूटली अब मैं देखूंगा कि हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है। कभी भी उन्होंने हमने जब भी समय मांगा होगा, कभी भी उन्होंने हमेशा हमको समय दिया है, हमेशा हमारा फोन उठाया है, हमेशा हमसे बातें की हैं, तो बहुत ही दरिया दिल इंसान है। दूसरा, एक पर्सनली मैं बहुत ज्यादा जिनको मैं मानता हूं वो हैं सुनहरी लाल जी, जिनको पर्सनली मेरे जीवन में बहुत ज्यादा उन्होंने वैल्यू एडिड की, मेरे को सिखाया, पढ़ाया और संभाला, उंगली पकड़ के इस बिजनेस में चलना सिखाया, मेरी जिंदगी में यहाँ तक मेरे को पहुंचने में बहुत ज्यादा पर्सनली सहयोग किया। इवन इवन उनका मैं कर्जा कभी नहीं उतार सकता जीवन में कभी भी, क्योंकि मैं इस सेल के बिजनेस में हूँ। क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में एक प्रोडक्ट परचेज करना होता था, मैं एक ऐसे गरीब ब्राह्मण परिवार से आता था जहाँ पर मैंने एक प्लान देख लिया था 28 सितंबर 2003 को,
आज से लगभग 16 साल पहले, लेकिन मेरे पास वो पैसे देने के लिए, सेल लेने के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए ना अमाउंट नहीं था एक्चुअली। और मैं जाता रहा लगातार मीटिंग्स में, प्लान में सीखता रहा। 28 सितंबर 2003 को मैंने ये प्लान देखा और 14 नवंबर 2003 को, शायद 1.5 पौने 2 महीने बाद, जो भी गैप है इस तारीख में, उसमें मेरी सेल गई। और वो भी पर्सनली उन्होंने अपने पैसे से भेजी, मिस्टर सुनहरी लाल जी ने। उन्होंने मेरे अंदर कोई काबिलियत देखी होगी, कुछ कृपा उनकी रही मेरे ऊपर। फिर बाद में धीरे धीरे करके मैंने उनके पैसे चुकाए, तो मेरे को यहाँ लाने वाले, बनाने वाले, मेरे को पहुंचाने वाले। मैं इस बात से ये नहीं बोलना चाहता आप भी किसी की सेल के पैसे लगा दो, आप भी ये रिस्क लो, ऐसा नहीं करो, कुछ भी नहीं करो। लेकिन उनका बहुत बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर, हमेशा एक बड़ा भाई की तरीके से, एक गुरु के तरीके से, एक मार्गदर्शक के तरीके से, एक मेंटर के तरीके से, एक दोस्त के तरीके से, और नए नए अचीवमेंट दिलवाने में हमेशा उन्होंने मेरे को प्रेरित किया। चाहे वो पहली कार दिलाने की बात हो, चाहे वो एक दूसरी कार बदलने की बात हो, चाहे वो एक छोटा सा मकान हमने शास्तीपुरम में लिया था उसकी बात हो, फिर एक बड़ा बंगला जिसमें मैं आज बैठा हूँ उसको खरीदने की बात हो, उसकी जमीन पसंद करने की बात हो और कॉलोनी सेलेक्ट करने की बात हो, चाहे वो ऑडी कार दिलाने की बात हो, और जितने भी फैसले लाइफ के रहे, लगभग सारे के सारे फैसले मैंने उनसे पूछ के किए, और उनका बहुत ज्यादा सहयोग रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सारे के सारे अप्लायंस का, भगवान का, फैमिली का। और एक एक चीज का अगर नहीं देते हैं हम लोग धन्यवाद तो ये बात पूरी नहीं होगी, वो है मेरी प्यारी सी टीम, जिसको मैं हमेशा अपने दिल में रखता हूँ और बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ इस बात के लिए कि मेरी टीम जो है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से है। मेरे लीडर्स जो हैं वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उम्दा तराशे हुए तैयार लीडर्स हैं, और उन्होंने मेरे से ज्यादा मेहनत की, मेरे से ज्यादा उनमें काबिलियत है, मेरे से ज्यादा गुण भरे पड़े हैं उनके अंदर, और उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग किया, मेरा साथ दिया, मुझे रिगार्ड किया, बड़े भाई की तरह इज्जत प्रोवाइड कराई, और सारी की सारी चीजों के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आ पाए, मैं पहुंच पाया यहाँ पर। और इतनी बड़ी कारवां है आज हमारा, 6-7 लाख लोगों की टीम है जिसको हम लोग लीड कर रहे हैं, मैं और सुनहरी जी और हमारे बहुत सारे लीडर मिलके। उसका नाम है अल्टीमेट अचीवर्स। हम लोग अपने को अल्टीमेट अचीवर्स बोलते हैं, एक नाम हमने रखा हुआ है अपना खुद का। तो अल्टीमेट अचीवर्स का मतलब क्या है, ऑलवेज अचीव करते हैं हम लोग, और बड़ी बड़ी बातें अचीव करते हैं, और हमने बहुत सारे इंडस्ट्री में रिकॉर्ड बनाए हैं, और ये रिकॉर्ड ब्रेकर और रिकॉर्ड मेकर टीम है, और ये हमेशा से मतलब आगे रही है, अग्रणी रही है, और इसने हमेशा से नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ये हमेशा करती रहेगी। तो ऐसी टीम का हिस्सा होने पर मेरे को बहुत गर्व है। दोस्तों, अब मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं आपको कि मैं क्या हूं एक्चुअली, और मैं कौन हूं। तो मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड में 2 मिनट आपको ले जाना चाहता हूं। मैं 2 सितंबर 1981 को एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। गरीब ब्राह्मण परिवार में क्यों बोलता हूं, क्योंकि बचपन से, शुरू के 10 साल मेरे को ऐसा महसूस होता है कि आदमी कुछ समझ नहीं पाता है कि वो कितना गरीब है, क्या है, क्योंकि उसको अबोध होता है, उसको बोध नहीं होता। 10 साल की उम्र के आसपास के बाद मैंने पैसे का अभाव देखा जीवन में अपने, और अगले 10 साल मतलब 20 साल की उम्र तक मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई, मैं पूरे 20 साल जो शुरू पहले से लेके किए, आई वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। क्योंकि मैं पहली क्लास में जब पढ़ने गया था तो मेरे पास रिजल्ट कार्ड रखे हैं, कभी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर, प्रेजेंटेशन बना के उनको डालूंगा। पहली कक्षा में मेरे नीचे कार्ड के नीचे लिखा होता था कक्षा में प्रथम स्थान, दूसरी क्लास में कक्षा में प्रथम स्थान, तीसरी क्लास में कक्षा में प्रथम स्थान, चौथी में कक्षा में प्रथम स्थान, ऑलवेज कक्षा में प्रथम स्थान मैंने प्राप्त किया है। 8वीं क्लास में बात करूं, आगे की मैं बात करूं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में मेरी डिस्टिंक्शन से मैं पास हुआ, फर्स्ट डिवीजन आया। मैं एक ही बात मानता था उन दिनों कि मैं अगर अच्छा पढ़ लिख लूंगा तो मेरा ये जो परिवार की गरीबी है, परेशानी है, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं गलत था। मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब नौकरी के लिए ढूंढा तो मिली नहीं, तो फिर मैंने एक कोचिंग चलाई, और कोचिंग चला के मैं जीवन यापन कर रहा था। 2003 आ गया था तब तक, और 28 सितंबर 2003 को एक संडे के दिन एक व्यक्ति ने मेरे को बुलाया प्लान में, और मैंने एक प्लान देखा। प्लान देखने के बाद मेरे मरे हुए सपनों में दोबारा से जान आ गई कि मैं कुछ कर सकता हूँ। इस दौरान 20 साल की जिंदगी में, मैं 22 साल का था तब मैं ये प्लान देखने आया था, शादीशुदा था, 6-7 महीने पहले शादी हो गई थी,
मेरे को एक अच्छी बात थी अपने ऊपर कि हमेशा से ये विश्वास था कि मैं किसी काम में अगर पूरी ताकत झोंकूंगा, पूरा मन लगाऊंगा तो मैं उसको कर लूंगा, ऐसे मेरे को हमेशा महसूस होता था। तो मुझे ये प्लान देखने के बाद, इसमें जब बताया गया पूरे प्लान में कि आप ये पा सकते हो, हमें क्या क्या बताते हैं प्लान में, आपने देखा होगा एक इनविटेशन कार्ड पर पीछे लिखा होता है किसी के विजिटिंग कार्ड पर, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको आर्थिक सफलता मिलेगी, समय की आजादी मिलेगी, आपको आप खुद के बॉस बन जाओगे, अब ये 5, 7, 10 बातें लिखी होती हैं, वो सारी बताई गई थी। और मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ उन बातों के लिए और मैंने वो काम करना चालू कर दिया, पूरे मन से काम किया। और 4, 5 साल स्ट्रगल का रहा क्योंकि 3, 4 साल इतने पैसे मेरे को नहीं आए इस बिजनेस में। लर्निंग पीरियड था वो मेरा सीखने का टाइम था, वो मेरा डेवलप होने का टाइम था, स्ट्रगल का टाइम था। मैं ऐसे बोलता हूँ, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड यू हैव टू फेस स्ट्रगल फर्स्ट। आपको जीवन में एक बार स्ट्रगल फेस जरूर करनी पड़ेगी और अपने हिस्से की स्ट्रगल आपको खुद को निपटानी है। किसी की 3 साल, किसी की 4 साल, किसी की 5 साल, किसी की और भी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, किसी की थोड़ी कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आपको खुद को निपटानी है। मैं इसको ऐसे भी बोलता हूं कि अपने जीवन की काली गुफा जो है उसको आपको खुद को ही पार करना है। दौड़ के पार करो, बैठ के पार करो, लेट लेट के पार करो, आराम कर करके पार करो, या एक ही बार में घुस जाओ और लगे रहो धुआंधार और जल्दी से जल्दी पार करके निकल जाओ। तो ये जो स्ट्रगल का पीरियड था 2003, 28 सितंबर को मैंने प्लान देखा और ये लगभग 2007 तक चला। 2007 में मैंने अपनी पहली कार खरीदी और जब मैंने पहली कार खरीदी थी उससे पहले एक वीक का मेरे को 95,000 का चेक आया था। तो ये जो बिजनेस है धीरे धीरे मेरे को समझ आ गया, होने लगा, सारी चीजें अच्छा हो रहा था। तो कार खरीदने से मैं मानता हूँ थोड़ी थोड़ी मेरी स्ट्रगल का पीरियड खत्म हो गया और मैं आगे बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे अचीवमेंट आते रहे। तो लगभग 4 साल का पीरियड था जो कि स्ट्रगल का पीरियड था, वो बड़ा तोड़ देने वाला, बड़ा दुखी करने वाला था। एक और बात सुनी है मैंने इसके बारे में कि आप अगर ड्रीमर हो, सपने देखते हो या कुछ करना चाहते हो, तो आप अपने स्ट्रगल में, अपने सपने के कारण रोओगे, आंसुओं से रोओगे, दुखी होगे, और दूसरे आपके सपनों पर हंसेंगे। बोला जाता है आपके सपने को देखकर अगर कोई हंस नहीं रहा है और तुम खुद रो नहीं रहे हो तो इसका मतलब आपका सपना उतना दमदार नहीं है, आपको अपना सपना चेंज करना चाहिए। क्योंकि ये दो क्वालिटी बड़े सपने में हमेशा होती हैं, आपको वो रुला देगा, दूसरे को जरूर हंसाएगा। दूसरे की आपको देख के स्थिति में लोग हंसेंगे आपके ऊपर और आप उस पर रोओगे। ये दोनों काम मेरे साथ हो रहे थे, मैं अपनी पीठ थपथपाता था कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ। धीरे धीरे दुख के बादल खत्म हो गए और 2007 के बाद मेरी जिंदगी अच्छी हो गई और फिर तब से लेके अब तक बहुत सारे अचीवमेंट लगातार चलते चले आ रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि एक गरीब ब्राह्मण का बेटा रईस बन गया है और वो सारी सुख सुविधाएं जो कि एक आदमी को जीवन में जीने के लिए चाहिए होती हैं, बच्चों को अच्छे एजुकेशन दिलवाना, एक बढ़िया कार होना, एक दो कारें होना, दो दो लग्जरी कार का मालिक हूं आजकल मैं, एक बंगला होना, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होना, दुकान मकान, बहुत सारी चीजें होना, एवरीथिंग जो भी आप सोच लो, वेकेशंस और बहुत सारी खुशियां, सारी चीजें आजकल क्या है ना, लगभग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की मदद से, कंपनी की मदद से, हमारे हमारे टीम मेंबर्स, टीम लीडर्स की वजह से आजकल मैं पा पाया हूँ। और सेफसॉफ्ट जो हमारी एक ग्रेट कंपनी है, ये ग्रेट क्यों है, इसके डायरेक्टर बड़े विजनरी हैं और मेरे को गर्व होता है इस बात को बोल के कि मैं एक ऐसी कंपनी का अभिन्न हिस्सा हूँ, उनके टॉप लीडर्स में आता हूँ कि जो कंपनी लगभग 20 सालों से लगातार मेहनत कर रही है, काम कर रही है और चलती चली जा रही है, हम जैसे लोगों के ख्वाब पूरे कर रही है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग क्या है ना, 4 सालों में 3 कंपनियां और अगले 10 सालों में 5 कंपनियां बदल चुके होते हैं। मुझे खुशी है एक बात बोलते जो बहुत सारे लोग नहीं बोल पाएंगे, ये बात मैं जरूर गर्व से बोलता हूँ, मैं जिस कंपनी में बना हूँ, जिस कंपनी में सीखा हूँ और जिस कंपनी ने मेरे को डेवलप किया है, मैं आज भी 16 साल बाद उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत उनको करनी होगी जिनकी कंपनी में कुछ होता होगा, कमी होगी या जो भी, व्हाटएवर, लेकिन मेरी कंपनी इतनी दमदार है, मेरे को गर्व है ऐसी कंपनी में काम करने में जो कि खुद 20 साल पूरे कर चुकी है और हम लोग उसके साथ मिलके अपने 16 साल पूरे कर चुके हैं। साथियों, मैं अभी थोड़े दिन पहले ही इंदौर से आ रहा था, इंदौर बिजनेस क्लास में मैं बैठा था विस्तारा की फ्लाइट में,
तो एक बहुत ही बड़े इंजीनियर साहब मेरी बगल वाली फ्लाइट की सीट पर बैठे थे। हम लोग दोनों बिजनेस क्लास को एंजॉय कर रहे थे। कोरोना का टाइम था, लेकिन मैंने मास्क लगाया हुआ था एयरपोर्ट पर, लेकिन मैंने वहाँ फ्लाइट में उतार लिया था। उन्होंने भी लगाया हुआ था, उन्होंने भी उतार लिया था। हम लोगों में कन्वर्सेशन हुआ, बातचीत हुई, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो। तो मैं हमेशा अटपटे जवाब देता हूँ क्योंकि मैंने इस बिजनेस में सीखा है। मैंने बोला मैं बातचीत का व्यापार करता हूँ, आई डू द बिजनेस ऑफ कन्वर्सेशन। तो उन्होंने ऐसे ही शक पका के बोला कि ये क्या है, किस तरीके का व्यापार है। तो हमारी बातचीत हुई, मैंने बातचीत की, समझाया उनको। फिर उसके बाद मैंने कुछ लिखा इस बिजनेस के लिए, वो मैं थोड़ा सा जरूर आपको बताना चाहता हूँ। मैंने इस बिजनेस की क्वालिटी लिखी कि क्या है ये बिजनेस। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है अपने सिस्टम और कंपनी के बारे में बताने से कि हम क्या करते हैं। हम करते हैं बातचीत का व्यापार, दिलाते हैं हर किसी को रोजगार, हर आने वाले का सुधार देते हैं आचार विचार व्यवहार। हम करते हैं बातचीत का व्यापार, दिलाते हैं हर किसी को रोजगार, हर आने वाले का सुधार देते हैं आचार विचार व्यवहार, और कमजोर को, नाकाबिल को भी बना देते हैं दमदार। और लगातार अगर वो हमारे साथ टिका रहा तो नोटों की होने लगती है बौछार, और एक गरीब ब्राह्मण के बेटे को भी ये बिजनेस और सिस्टम और हमारे अपलायन दिलवा देते हैं दो दो लग्जरी कार, जिसमें से एक ऑडी है और दूसरी है जगुआर। एक ऑडी है और दूसरी है जगुआर। दोस्तों, ये मेरे मन की बात थी। मैंने वही नैपकिन लेके उन विस्तारा की मैडम से, और टाइम था मेरे पास, मैंने कहा कुछ लिखता हूँ मेरी कंपनी के बारे में, क्योंकि उन्होंने मेरे को छेड़ दिया था भाई साहब ने। फिर हमारी बातचीत नहीं हुई है अभी कोरोना के बाद, और हम लोग का लगातार लगे हैं। तो मेरे को बहुत प्राउड है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूँ अपने आप को कि मैं एक ऐसी कंपनी का पार्ट हूँ, एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हूँ, जिसमें देखो कितने आसान है कि हमारे बिजनेस में कोई भी आदमी आके अपनी जिंदगी बना ले। मैं बोलता हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हम जैसे, मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए, जिन्होंने गरीबी देखी है, जिनके पास आगे पीछे कुछ नहीं है, बस वो टैलेंटेड हैं, दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, उनके सीने में आग है। तो देखो कैसे है, दो क्वालिटी हमारा बिजनेस मांगता है। एक नंबर वन, दो ए मांगता है। एक आप एडल्ट होने चाहिए, दूसरे अलाइव जिंदा होने चाहिए। यानी अगर इसको बोलें, जा से जवान होने चाहिए एडल्ट, और जा से जिंदा होने चाहिए, बस इतनी सी क्वालिटी चाहिए। लेकर क्या आना है हमारे बिजनेस में, बहुत सारे बिजनेसों में बहुत कुछ आपकी क्वालिटी स्किल्स ये वो बहुत लाना पड़ता है, बस दो चीजें हल्की सी लेके आ जाओ। एक आपको खुद पर विश्वास हो, यानी एक एक पहला बी आपको बिलीव हो, और दूसरा बी आपका थोड़ा बहुत बिहेवियर अच्छा हो, नहीं भी होगा तो हम धीरे धीरे कर लेंगे। बिलीव और बिहेवियर के साथ इस बिजनेस में आ जाओ। बदलना क्या है, दो सी, दो ए चाहिए इस बिजनेस की क्वालिटी, दो बी जो आपको लेके आने हैं, बिलीव और बिहेवियर, और दो सी आपको क्या करने हैं, थोड़ा सा अपने को चेंज करना है बाहरी तरीके से, अंदरी तरीके से, क्योंकि हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट के समाज से आते हैं। तो थोड़ा सा सी फॉर चेंज करना है, और दूसरा सी थोड़े बहुत छोटे मोटे आपके लेवल के हिसाब से चैलेंजेस आएंगे, उनको आपको फेस करना है। चैलेंजेस के मामले में मैं जरूर बताता हूँ सभी को कि चैलेंज भाई साहब हमेशा औकात देख के आते हैं। मैं गरीब था इस बिजनेस में, मेरा ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो जाता, होता तो 52 रुपए का, 55 रुपए का, 60 रुपए का। मेरे को कोई मुकेश अंबानी के बराबर थोड़ी नुकसान हो जाएगा, जो अभी उनको हो गया होगा 1500 करोड़ का, 2000 करोड़ का, 5000 करोड़ का। 5000 करोड़ का होने के लिए औकात भी तो होनी चाहिए 5000 करोड़ की। तो चैलेंजेस, दुख, परेशानियां जो हैं जिंदगी में, सिर्फ भगवान आपकी औकात देख के देता है। और जो चैलेंजेस आपके सामने भगवान देता है, यू हैव टू फेस इट, आपको करने ही पड़ेंगे, उनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लेवल के हिसाब से आपको चैलेंजेस देता है। तो दो ए, अडल्ट और अलाइव आ सकते हैं, बिलीव और बिहेवियर भी दो बी के साथ, और दो सी चेंज करने हैं, चेंज एंड चैलेंजेस को भुगतना है। अब करना क्या है, पूरे टाइम जब तक आप इसमें रहेंगे, दो डी करने हैं बस। डिसीजन ले लो मजबूती से, डिसाइड कर लो पहला डी, और दूसरा डी है डुप्लीकेट करते जाओ, जो आप सीखे हो उसको सिखाओ, बताओ, पढ़ाओ, तैयार करो अपनी फौज। तो डिसाइड और डुप्लीकेट करो। अब क्या जाएगा, साइड इफेक्ट क्या है, कोई भी दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं ना, तो साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट भी है इसका, जाएगा कुछ आपके पास से। एक आपकी पॉवर्टी, एक पी गरीबी, पॉवर्टी जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी, दूसरा पी जीवन की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी खत्म हो जाएगी।
दो ए चाहिए जुड़ने के लिए, दो बी चाहिए, बिलीव और बिहेवियर चाहिए आपको इस बिजनेस में लेके आना है, दो सी चाहिए जो आपके अंदर चैलेंजेस से भुगतना और चेंज करना, और दो डी चाहिए डिसाइड करना है और डुप्लीकेट करना है, और दो पी आपकी जीवन भर के लिए खत्म हो जाएंगे, पॉवर्टी और पॉवर्टी और प्रॉब्लम्स आपकी हमेशा खत्म हो जाएंगी। मिलेगा क्या लास्ट में? हमारी तरह 10-15 साल अगर आप टिक गए इस बिजनेस में तो आपको एक प्राइड मिलेगा, सेटिस्फेक्शन। मैंने प्राइड को जब ढूंढा, मैं जब बात करता था इसके बारे में, तो इसका मतलब होता है, प्राइड का मतलब गौरव, गर्व। अपने ऊपर एक प्राइड होता है कि यार वाह, माँ बाप को ऐसी जिंदगी दे पाए, वाह यार बच्चों को ऐसी जिंदगी दे पाए, वाह यार दूसरे लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, दूसरों को तैयार कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं, वाह यार, एक ऐसा प्राइड मिलेगा। और दूसरा आपको क्या मिलेगा? दूसरा पी इस बिजनेस में मिलेगा, आपको प्रिविलेज्ड लाइफ मिलेगी। प्रिविलेज लाइफ, प्रिविलेज लाइफ का अगर हिंदी में हम देखें तो सुविधाजनक जीवन और विशेष अधिकार वाला जीवन, ऐसे आपको इसका वो मिलेगा, मायने मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा? प्राइड और प्रिविलेज मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे को ऐसे इसके बारे में बखान करने को लगता है कि अच्छा है कि कम शब्दों में आप ज्यादा बात सीख जाएं, तो मुझे ऐसा लगा। दूसरा, सिस्टम की अगर महिमा के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे को लगता है सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बिजनेस में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। वो क्या है? आज मुझे गर्व है कि मैं सेफसॉम में हूँ, सिस्टम के साथ हूँ। तो हम लोगों की जिंदगियों में ना कुछ पॉजिटिव बदलाव ला पा रहे हैं, उनको कुछ चेंज कर पा रहे हैं, उनको कहीं पहुंचा पा रहे हैं। आज मुझे गर्व है, मैं बता दूं आपको कि मैं कुछ ऐसे लोगों को इस बिजनेस में लाया, उनको सौभाग्य मिला मुझे लाने का, कि छोटे छोटे सी उम्र थी, 18-19 साल की उम्र थी, गरीब परिवेश था, लिखाई पढ़ाई के नाम पर कुछ बहुत ज्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं थी, लेकिन वो सारे के सारे लोग आज लग्जरी कार्स, अपनी BMW, ऑडी, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, अपने घर बना के बैठे हैं, अपनी बहुत ही बढ़िया लग्जरी लाइफ का एंजॉय कर रहे हैं। तो एक प्राइड होता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है कि जिंदगी में हम एक ऐसा मौका पा रहे हैं इस बिजनेस के माध्यम से, जो हमने शास्त्रों में सुना है कि ज्ञान और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं ऑलवेज। तो हम ज्ञान भी दे पा रहे हैं, जो भी हमको छोटा मोटा आधा अधूरा जो भी मिला हुआ है इस बिजनेस में। हम, मैं ये नहीं मानता कि हम ज्ञानी हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, हम अभी भी सीख रहे हैं, हम प्रोसेस में हैं उसके, लेकिन जो भी सीख रहे हैं वो लोगों को सिखाने में कोशिश कर रहे हैं। तो ज्ञान और खुशियां बांटने का जो हमको मौका मिल रहा है वो बहुत ही गजब का इस बिजनेस की क्वालिटी है। 100+ आज मेरे साथ डायमंड है, 21 से ज्यादा इस टीम में जो अल्टीमेट अचीवर है उसमें लग्जरी कार अचीवर है, हमको बड़ा गर्व होता है इस बात के लिए। और एक साधारण सा व्यक्ति, कोई नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति आके इसमें सफलता हासिल कर सकता है, उस बात के लिए मेरे को ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया लगता है और इसमें दमदारी लगती है। तीन चीजें इस बिजनेस में करने के लिए आना चाहिए आदमी को, टाइम मनी सिक्योरिटी का ये कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आप समय कमा सकते हो, पैसे कमा सकते हो और सिक्योरिटी हासिल कर सकते हो। टाइम मनी सिक्योरिटी का इसमें कॉम्बिनेशन है, जो भी आएगा उसको ये जरूर प्रोवाइड कराता है, 2-4-5-10 साल अगर आप काम करते हो तो आपको मिलता है। अब मैं बताना चाहता हूं कि हमारी और ये जो पूरी सफलता है इसमें राज क्या है एक्चुअली। तो एक छोटे से दो एग्जाम्पल लूंगा, चाय आपने बनाई है और खिचड़ी भी बनाई है। चाय और खिचड़ी जब हम बनाते हैं तो क्या है, हम लोग बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं, जैसे पानी, दूध, आग भी चाहिए उसके लिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए और अदरक, जो भी और चीजें आप डालते होंगे वो सब चीजें चाहिए। ऐसे हमारी इस बिजनेस की सफलता को बनाने के लिए, खिचड़ी बनाते हैं तो दाल, चावल, आग, पानी और उसमें जो भी हींग वगैरह जो भी चीजें डलती हैं देसी घी, वो सारी चीजें चाहिए। ऐसे ही हमारी इस बिजनेस की सफलता को बनाने के लिए पांच फैक्टर हैं, पांच। नंबर 1 है हमारा कंपनी, दूसरा है हमारा सपोर्ट सिस्टम जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, तीसरा है हमारे अप्लायंस, मेंटर, गुरु, वो सारे लोग, और चौथा है हमारी टीम, और पांचवें हैं हम। अब इनको कैसे प्रयोग करें, क्योंकि मेरे पास समय कम था, मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा बताऊं जो कि दिमाग में चला जाए और फिर आदमी उसके ऊपर बाद में खुद काम कर ले, खुद ही देख ले, जान ले, लेकिन मैं कुछ समझा पाऊं उसको। तो मैं कैसे सोचता हूं उन पांचों का यूज करना। आप
अपना सिस्टम जो है, सबसे पहले सपोर्ट सिस्टम, उसको अपने सर पे बिठा लो, सर पे बिठा लो। सर पे बिठाने का मतलब दिमाग, सर, जो भी मान लो, दिमाग में उसकी बातों को बसा लो, और सर पे बिठा के, यानी उसको हमेशा सर्वोपरि रख के, पूरी इज्जत के साथ, पूरी श्रद्धा, पूरी समर्पण के साथ उसके साथ जुड़ जाओ, और वो जो जो बोलता है उसके लिए नतमस्तक हो जाओ, सर पे बिठा लो। फिर दूसरा फैक्टर है आपकी कंपनी, उसको अपने मुंह में, जवान पर, मुंह में बिठा लो। हमेशा कंपनी को बताओ, प्रमोट करो, गाओ, उसकी तारीफें करो, उसके प्रोडक्ट के बारे में बातें करो, क्योंकि ये बिजनेस है, बताने से चलेगा, तो कंपनी, प्रोडक्ट, ये सारी चीजों को आपस में बताओ, और सिस्टम की जानकारी जो दिमाग में है उसके अनुसार, जो आपने सीखा समझाया है उसके हिसाब से बताओ। अब तीसरी चीज है हमारे अपलायन, उनको हाथों पे, हाथों हाथों पे ले लो। हाथों हाथों पे लेने का मतलब क्या है, हम जब भी कोई रिश्तेदार आता है, कोई हमारा पूजनीय माननीय होता है, तो उसको हाथों हाथ रखते हैं। हाथों हाथ लेने का मतलब क्या है, बहुत रेस्पेक्ट दो, दिल से उनका आदर करो, हमेशा उनके साथ रहो, हमेशा उनसे सीखने की कोशिश करो, हमेशा उनसे कुछ, मतलब क्या है ना, ग्रहण करो, हाथों हाथों पे लो। और चौथा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टीम, उसको अपने दिल में बसा लो, दिल में बसा लो। ऐसे प्यार करो जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हो। मैं हमेशा बोलता हूं, टीम और ये बिजनेस जो है, मैंने कैसे समझा है, इन चारों चीजों को आप समझ गए कि चार फैक्टर के साथ क्या करना। सिस्टम को सर पे बिठा लो, कंपनी को जवान पे, और अपलाइनों को हाथों हाथ लो, हाथों पे बिठा के रखो, और हमेशा दिल में अपनी टीम को बैठा लो। पांचवा आप क्या है, आप ही का तो रोल है ये सब, तो आप करो और दौड़ लगाओ ये चारों चीजें करके, और धीरे धीरे आप सब पालोगे। मैं एक और बात इंपॉर्टेंट बोल रहा था कि क्या, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बिजनेस जो है वो हमारी एक औलाद की तरह होता है। जैसे हम औलाद को पालते हैं, वैसे ही हमको इस बिजनेस को भी पालना चाहिए। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस बिजनेस में जब आया तो मैं शादीशुदा था, लेकिन मेरा बेटा नहीं पैदा हुआ था। 30 मई 2004 को मेरे बेटे का जन्म हुआ, लेकिन 28 सितंबर 2003 को मेरे जीवन में एक मेरे पहलौटी बेटे का, पहले बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम है ये बिजनेस, ये सिस्टम, ये जो मेरे को मिला है सौभाग्य। तो फिजिकली मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा बच्चा है ना, इसको हमने ज्यादा तवज्जो दी, ज्यादा एहतियात के साथ, ज्यादा केयर के साथ, ज्यादा अच्छे तरीके से ना हमने इसको पाला, और इसके लिए बहुत सारे त्याग किए, परेशानियां ली, सब किया जो आप सोच सकते हो। तो ये जो बच्चा है, अगर आप इसने आपको आपने केयर के साथ इसको पाल लिया, तो ये आपके फिजिकल बाकी के सारे बच्चों को पाल देगा, और उनके भी बच्चों को पाल देगा, और पीढ़ियों को आपकी को फाइनेंशियली फ्री कर देगा, अगर आपने इस बच्चे को केयर की तरह पाला, केयर करके पाला, अपने बच्चों की औलाद की तरह इसको पाला। तो साथियों, ये मेरी समझ है थोड़ी सी सिस्टम के बारे में, जो मैं आपको छोटा सा समझाना चाहता था। अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि इस बिजनेस में एक चीज समझ लो आप सारे लोग, जितने भी लोग हैं इस बिजनेस में, जो दो तरीके के लोग हैं इस धरती पर, 750 करोड़ लोग अभी रहते हैं इस धरती पर, ऐसा थोड़ा सा गणित है। तो उनमें से क्या है, उनमें से दो समुदाय हैं, एक है ड्रीमर लोग, एक है नॉन ड्रीमर लोग। ड्रीमर्स कौन है, ड्रीमर्स हैं जो कुछ अपने हाथों से करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और नॉन ड्रीमर क्या है, जिनको सिर्फ कुछ लेना देना नहीं है बाकी की चीजों से, बस अपना वक्त गुजारना है, काटना है, छोटा मोटा कुछ करना है, जो भी करना है। दो समुदाय हैं। अब दुनिया में नाम किसका रहने वाला है आगे आने वाले समय में, अब जितने लोगों को इतिहास में जानते हो, बता रहा हूं साथियों, सारे के सारे दे ऑल आर द ड्रीमर्स। जिनके आप नाम ले लो, गांधी जी हो, न्यूटन हो, न्यूटन के सामने जो सेब गिरा था, उससे पहले भी हजारों लोगों के सामने सेब गिरे थे। गांधी जी कोई पहले व्यक्ति नहीं थे जिनको अंग्रेजों ने ट्रेन से बाहर फेंका होगा, मेरे को तो लगता नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी कई लोगों को फेंका होगा, लेकिन उनको फेंक दिया, वो फिर गए बेचारे और लगे रहे, वो जो भी चले गए। लेकिन ये जो लोग हैं ड्रीमर्स, ये क्या है, इनके जीवन में जब भी किसी भी तरीके की कोई भी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनमें से ये क्या करेंगे, उनमें से अपने लिए, समाज और देश के लिए क्या अच्छा ये कर सकते हैं अपने शरीर से, उसमें ये अपनी पूरी जान और ऊर्जा झोंक देंगे। और यही एक बात इनकी, जो पंगा लेने की आदत है इनकी, जो बड़ा सोचने की आदत है, जो कुछ कर गुजरने की आदत है इनकी, इनको इतिहास में अमर बना देती है। तो इस बिजनेस में क्या करना है, एज ए ड्रीमर आपको इस बिजनेस में रोल अदा करना है साथियों।
चाहे मैं जिस माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं इसके बारे में जरूर मैं थोड़ा सा बोलूंगा। ये है फेसबुक। फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जकरबर्ग। मैंने उनके बारे में सुना है कि जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो अचानक से पढ़ते पढ़ते कोडिंग वगैरह जानते थे कंप्यूटर की, उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके माध्यम से सारे लोगों से मुलाकात की जा सकती हो, मेल बढ़ाया जा सके, मुलाकात हो सके और उनसे कम्युनिकेट किया जा सके, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो बस जाते ही उन्होंने अपने आइडिया को एग्जीक्यूट किया और कुछ कुछ कोडिंग करने लगे, और जो भी स्ट्रगल रही, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रही होंगी, हमेशा रहती हैं सब जगह, और एक इतना बड़ा माध्यम हमको मिला जिससे आज हम लोग और आप लोग मुखातिब हो रहे हैं। ड्रीमर्स कौन है? ड्रीमर्स वो हैं जो कुछ भी करने के लिए अपने मन में आग लगा के बैठे हैं और जीवन में किसी भी कारण से कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं और कुछ बदलना चाहते हैं। तो साथियों, हमने ड्रीम्स के बारे में काफी कुछ सुना है अपनी ट्रेनिंग्स में, किताबों में, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा अपने तरीके से कि स्मार्ट गोल बनाओ। आपने सुना होगा, आप जानते हो एस फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंड। इसी को मैं, इसको पूरा कैसे करें और हमेशा याद कैसे रखें, ऑलवेज ड्रीमर कैसे बने रहें इस बिजनेस में, एक फाइटिंग स्पिरिट कैसे रहे आप में, एक एक छोटा सा फार्मूला और बता रहा हूं, वो है स्पार्क। स्पार्क का मतलब है एस फॉर स्पोकन योर ड्रीम्स ऑलवेज। हमेशा आप अपने ड्रीम को ना बताते रहो, बोलो बोलो, सबको बताओ, माँ बाप को, घर वालों को, बाहर वालों को, सबको बता दो। और पी फॉर पेस्ट ऑलवेज, जगह जगह अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर पेस्ट कर लो, दीवार पर पेस्ट कर लो, जहां भी रहते हो वहां पेस्ट कर लो, वो सब उनको पेस्ट कर लो। स्पार्क, स्पोकन बताओ, स्पीच स्पीक बताओ उनको, और पी फॉर पेस्ट कर लो उनको। ए फॉर क्या है? अनाउंस करो, जब भी आपको मौका मिले स्टेज से अनाउंस करो, घर में अनाउंस करो, रिश्तेदारी में, शादियों में, बरातों में, एवरीवेयर, जहां भी आप जा रहे हो, आप इंस्टा पर जहां भी रहते हो वहां अपने ड्रीम्स के बारे में अनाउंस करो कि मैं ये करने वाला हूं। और रीड लाउडली, उनको लिखो और पढ़ो रोज, जिससे वो रिमाइंड हो जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए। आर फॉर रीड, रीड लाउडली, ऑलवेज पढ़ो उनको। और लास्ट का के जो है, कीप ऑलवेज, आप हमेशा उनको दिल में रखो, आप हमेशा पास रखो, पॉकेट में रखो, मोबाइल के स्क्रीन सेवर पर रखो, एवरीथिंग, जहां भी आप, एवरीवेयर, जहां भी आप रखना चाहते हो उनको रखो, तो आपका ड्रीम कभी भी आपको भूलने नहीं देगा, आप हमेशा एक ड्रीमर की तरह रहेंगे। और एक ड्रीमर हमेशा चुनाव करता है कि उसे जिंदगी में आगे बढ़ना है, वो नॉन ड्रीमर से हमेशा अलग रहता है, अलग उसके तौर तरीके होते हैं, बिहेवियर अलग होता है, समय की थोड़ी बाध्यता है मेरे पास में, इसलिए ज्यादा उसमें नहीं जा सकता। एक दूसरा बात जो मैं आपको करना चाहता था, ये जो कोरोना बीमारी आई है, मैं इसके लिए बड़ा, मतलब क्या है ना, अचंभित हूं इस बात के लिए कि पहला हम लोग मानव समाज में इस तरीके की कोई बीमारी को फेस कर रहे हैं जिसमें कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एक ही समय पर ना प्रॉब्लम में है। मुझे खेद है इस बात के लिए और एक खुशी भी है अंदर से, क्या, क्योंकि हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं कुछ ना कुछ। खुशी यह है कि साथियों, हमारा इतिहास में नाम लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले बच्चों को स्कूलों में जब ये पढ़ाया जाएगा कि इस तरीके की एक महामारी, बीमारी, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी पूरी दुनिया में, जब इतना लंबा लॉकडाउन हुआ था, आज प्रधानमंत्री जी ने ये 3 मई तक के लिए कर दिया, और देशों में और ज्यादा भी रहा होगा, तो उस हमारे नाती पोते जो आने वाली पीढ़ियां हैं ना, वो हमारा नाम लेके बोलेंगे कि हमारे दादा थे उस टाइम, वो थे, जिंदा थे, तो हम लोग इतिहास में शामिल हो गए हैं। बहुत लोगों ने इतिहास में शामिल होने के लिए बहुत कुछ किया, अपना खून बहाया, पसीना बहाया, बहुत सारे रिस्क, चैलेंजेस लिए, लेकिन हमको कुछ ज्यादा नहीं लेना पड़ा। मैं तो अपने को सोच रहा हूँ, कई लोगों को लेना भी पड़ा होगा, कई लोग बीमारी से भी भुगत रहे हैं, उनको भगवान शक्ति दे। तो हमने क्या किया है, सिर्फ हम बस घर पे रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने घर पे रहें और आप इतिहास में शामिल हो जाएंगे। दूसरा, मैं इस कोरोना बीमारी से सोच रहा था कि हम अपने लिए क्या फायदा निकाल सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। मैं एक्चुअली थोड़ा सा सोचता हूँ कभी कभी, और बैठता हूँ खाली तो सोचने में मेरे को अच्छा लगता है, सोचना भी कभी कभी ना अच्छा रहता है, और मैं ऑलवेज फुर्सत से सोचता हूँ, टाइम निकाल के सोचता हूँ। तो मैंने एक अच्छी बात सोची है, आपको भी शायद अच्छी लगे। कोरोना का मतलब है, अगर इसको अच्छे तरीके से संधि विच्छेद करो तो हमारे बिजनेस में कोर हो ना, ये बीमारी पूछ रही है, कोर हो ना, किसी का जवाब आएगा ना, मैं तो कोर नहीं हूं, किसी का जवाब आएगा हाँ जी मैं तो कोर हूं। तो जिनका जवाब ना में है, आप कोर नहीं हो,
तो साथियों ये कोर क्या है? कोर है एक कंप्लीटली हमारे बिजनेस की सारी चीजों को सीख के डेली परफॉर्म करने वाला वो बंदा जो कि सारी कोर एक्टिविटी कोर स्टेप्स को फॉलो करता है। उसके बारे में आप ज्यादा जानकारी ले लेना अपने अप्लायंस से, ऑडियो सीडी से, किताब से, आपको सारी पता चल जाएगी। तो कोर होना का मतलब है, आपसे एक सवाल है कि क्या आप कोर हो? नहीं हो तो बन जाओ यार, इतना अच्छा समय मिला हुआ है, हम लोग कोर बनाओ कोर बनो का अभियान चला रहे हैं। तो कोर होना आपसे पूछ रहा है, अगर आप कोर नहीं हो तो कोर बन जाओ, अगर कोर हो तो दूसरों को कोर बनाओ, क्योंकि आप सबसे ज्यादा जब सीखते हो जब आप किसी को सिखाते हो। तो कोर बनाओ अभियान में काम करो। मैं थोड़ा सा कोर पे और कभी विचार कर रहा था तो एक अच्छा सा मैं उसमें बना पाया कि कंटिन्यूअसली ऑर्गेनाइज्ड राइट एफर्ट जो करता है वो कोर होता है। सी फॉर कंटिन्यूअसली, ओ फॉर ऑर्गेनाइज्ड, राइट आर फॉर राइट, ई फॉर एफर्ट, ये जो करता है वो कोर होता है। तो आप कोर करिए, कोर बनिए, कोर बनाइए। एक चाइनीज फिलोसोफर हुए हैं लियासु लात्सु, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मेरे दिल के बड़ी करीब रहती है इस बिजनेस के लिए हमेशा। वो उन्होंने कहा कि अगर आप एक साल का विजन रखते हैं, सिर्फ आपको एक ईयर का विजन है, फर्स्ट एक एक ही साल का विजन है, तो आप क्या है, क्रो, फसल उगाइए। दो, अगर आपको 10 साल का विजन है, 10 साल की सोच है, तो आप क्या करिए, कोई दरख्त पेड़ लगाइए, फलदार पेड़ लगाइए। और अगर आपको 100 साल का विजन है, अगर आपको पीढ़ियों की सोचनी है, तो उन्होंने बोला ग्रो द पीपल, लोगों को ग्रो करिए, लोगों को बनाइए। तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, कोर बनाइए लोगों को, क्योंकि कोर बनने के बाद ही लोग लीडर बनेंगे। ग्रो द पीपल एंड मेक देम लीडर, मेक देम लीडर। एंड अगर आप अगर उनको लीडर बनाते हैं तो दे विल मेक योर फ्यूचर, मेक देम लीडर, दे विल मेक योर फ्यूचर, वो लोग आपका फ्यूचर बना देंगे। तो मेरी एक चीज छोटी सी एडवाइस थी, आप इस पर काम कर सकते हैं। और एक इस बिजनेस में कैसे होना चाहिए, एक सीनियर को, अपलायन को, जो मेरे को एक समझ आता है छोटा सा एग्जाम्पल, कि एसी की तरह होना चाहिए। अभी गर्मियां हैं, अप्रैल है, लगभग एसी चालू हो गए होंगे, मैं भी एसी में बैठा हूं, एसी की तरह होना चाहिए। एसी में मैंने एक खास बात देखी है कि एसी की एक क्वालिटी होती है कि सारी ठंडी हवा जो है वो आगे देता है और सारी गर्म हवा जो है वो पीछे देता है। एक लीडर को, एक कोर को, एक अपलायन को, एक नेटवर्क मार्केटर, अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले बंदे को, एक असली सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के योद्धा को कैसा होना चाहिए कि सारी ठंडी हवा अपनी टीम में, अपने लोगों को प्रोवाइड करा दे और सारी गर्म हवा जो है, परेशानियां, प्रॉब्लम, परेशानियां, तकलीफें जो हैं वो सब पीछे धकेल दे, पीछे फेंक दे। एक एसी की तरह होना चाहिए, ठंडी हवा अंदर, गर्म हवा बाहर, ऐसा उसको होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। दोस्तों आप पर्पस के लिए काम करो, क्योंकि इस बिजनेस में पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलवेज पर्पस को फॉलो करोगे और पर्पस के साथ काम करोगे, तो हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की इज्जत को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी गरिमा को बरकरार रखने के लिए, हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, जिस भी सिस्टम के आप काम करने वाले हैं, वो सारे को आगे बढ़ाने के लिए आपको पर्पसफुल काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सुना है कि जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत जिंदगी छोटी है, बड़ी नहीं है। तो समय नहीं है हमारे पास, समय हो सकता है आपके पास हो थोड़ा सा, लेकिन आपके माँ बाप के पास समय नहीं है, आपके उन लोगों के पास समय नहीं है जो आपको सफल होते हुए देखना चाहते हैं मेरे दोस्त। तो आप उनके समय की कदर करो, जल्दी से जल्दी अपने पर्पस से चिपके रहो, लगे रहो, अपने पर्पस के लिए काम करो। मैंने सुना है कामयाब वो नहीं होता है जो 8 घंटे काम करता है, क्योंकि 8 घंटे तो नॉर्मली कोई भी काम करता है, 10 घंटे, 12 घंटे, आजकल 16-18 घंटे भी काम करते हैं लोग। कामयाब वो नहीं होता जो 8 घंटे काम करता है, कामयाब वो होता है जो अपने पर्पस के लिए 8 काम जरूर करता है। पर्पस के लिए 8 काम मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप बहुत सारे काम ऐसे करते हो जो आपके पर्पस से रिलेट नहीं होते, जैसे बहुत सारे टाइम वेस्टर्स, बहुत सारे एनर्जी वेस्टर्स, बहुत सारी और चीजें, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स में जो आप फंसते हो, आपके पर्पस के लिए नहीं होते। तो मैंने समझा है कि आज आप वही हो जो आपने कल किया था, और भविष्य में आप क्या बनने वाले हो जो आप आज करोगे। इसलिए आप अपने पर्पस को हमेशा सर्वोपरि रखो, अपने साथ रखो और उसके लिए काम करो।
मेरी जिंदगी भी इस तरीके से रही कि मैं जीवन में अब हमेशा अपने पर्पस के लिए काम किया, आज भी कर रहा हूं। और अब पहले मेरा पर्पस था कि मैं खुद सफल हो जाऊं, आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि मैंने वो सब पा लिया जो कि इनविटेशन कार्ड पे लिखा होता था, एक आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा होता था पहले। फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लोन फ्री लाइफ एंड वेकेशंस, और जो भी आपने टाइम जो लिखा होता था, 7 8 10 बातें जितनी लिखी होती थी, आजकल वो सारी मेरे को भगवान ने दे दी। और मेरे अपलायंस की कृपा है, उन्होंने मेरे को सिखा पढ़ा के यहाँ तक पहुँचा दिया, साथ दिया, अभी भी दे रहे हैं, और इसमें कंपनी का बहुत सहयोग है। तो ये इंडस्ट्री ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। इस इंडस्ट्री को लौटाने के लिए, इस इंडस्ट्री को समझाने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री है जिसने कि हमको बनाया है। हम भी इस इंडस्ट्री को कुछ, हमारी जो समझ है, हमारा जो रियल एग्जाम्पल्स हैं, वो हम बताना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग इस इंडस्ट्री के बारे में ना बातें कर रहे हैं आजकल, जिनको एक की भी टीम बनाने का अनुभव नहीं है। कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिन्होंने कभी टीम बनाई थी, लेकिन आजकल उनके साथ टीम नहीं है, लेकिन बातें तो हैं, कर रहे हैं। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, खुशी है मेरे को ये बताते हुए, आज हमारे पास टीम भी है, लगातार हम सक्सेस भी हो रहे हैं, लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा आपको कुछ अपने अनुभव भी शेयर कर रहे हैं, आपको बता पा रहे हैं। मैंने एक और बात सुनी है कैलेंडर के बारे में, समय के बारे में, पर्पस से रिलेटेड है, कि महीने में 30 दिन होते हैं। तो आप सोचोगे क्या बता रहे हो, ये तो हम भी जानते हैं, महीने में 30 31 दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं। लेकिन होते किसके लिए हैं? जो पर्पस के साथ आपने काम किया, अगर सिर्फ हफ्ते में 5 दिन, तो आपका हफ्ता 5 ही दिन का था, 7 दिन का नहीं। अगर आपने साल में काम किया सिर्फ 3 महीना पर्पस के साथ, तो आपकी साल 3 महीने की थी, 9 12 महीने की नहीं, 9 महीने वेस्ट हो गए। तो आप कैलेंडर से क्या सीख सकते हैं? कैलेंडर का मतलब है आपके 24 घंटे का जो टाइम आपको दिया है भगवान ने, 86,400 सेकंड जो भगवान रोज हमको देता है, उसमें से आपने जितना पर्पसफुल, पर्पस के लिए काम किया, आपने के लिए आपका हर एक्शन जो आप पर्पस के लिए करते हो, एक एक इंच आपको पर्पस के नजदीक ले जाता है। तो वो जो पर्पस के लिए आपने काम किया, पर्पस के लिए काम किया, वही आपका दिन था। 2 घंटे अगर आप पर्पस के लिए काम किया, तो आपका दिन 24 घंटे का नहीं था, आपका दिन सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का था। साथियों, दो तरीके की एक्टिविटी हैं जो जिंदगी में हम हमेशा करते हैं। एक एक्टिविटी है डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्पस, दूसरी एक्टिविटी है अट्रैक्शन ऑफ पर्पस। तो डिस्ट्रक्शंस बहुत सारे हैं जिंदगी में, वो सोशल मीडिया हो सकती है, कोई दोस्त यार हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उनसे थोड़ा सा अपने को अवेयर रखिए। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि आप सब चीजों को कट ऑफ कर दीजिए, आप सब चीज को एंजॉय करिए, मजा लीजिए, लेकिन अपने पर्पस के साथ जरूर ईमानदारी बरतिए। पर्पस को लगातार अपने मेन फोकस में, प्रायोरिटी में बना के रखिए, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदले। मैं थोड़ा सा बात करके, क्योंकि समय अब अलाउड नहीं कर रहा है, पूरा हो गया है। हम इस बिजनेस में 5 चीजों को पा लेते हैं, वो सा है। पहला सा है संपत्ति, समृद्धि बोल लो, दूसरा सा है समय, तीसरा सा है सेहत, चौथा सा है सम्मान, और पांचवा सा है सुरक्षा। इन 5 सा को लगभग मैंने पा लिया है, और हम लोग इसके लिए और बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये 5 सा को पाने के लिए आप इस बिजनेस में आते हो, सिस्टम में आते हो, और इन 5 सा को पाने के लिए आपको 2 3 सा अपने अंदर भी लाने पड़ते हैं। एक आपको अपनी सा से संगति बदलनी पड़ती है। मैंने अपने जीवन में संगति कैसे बदली? मैं शुरू से जब पढ़ता था, तब भी मेरा कोई बहुत ज्यादा खास दोस्त नहीं थे गांव में और जगह पर, क्योंकि दोस्ती मैंने लिमिटेड ही की, बहुत ज्यादा लोगों के साथ अपना समय खराब नहीं किया। जब 20 साल की उम्र तक था, तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई की। फिर इस बिजनेस में आ गया, तो फिर तब से लेके 16 साल अभी तक इस बिजनेस के अलावा कुछ और नहीं किया। इसी बिजनेस में ही मेरे सारे दोस्त हैं, इसके अलावा कहीं कोई दोस्त नहीं है। और संगति किस किस बात की मैंने जो सीखा इस बिजनेस में, मैंने संगति की सिस्टम की, सिस्टम की हर ट्रेनिंग, हर फंक्शन, हर प्लान, जहां जहां जब भी होगा। मेरे को नजदीक से जानने वाले लोग, काफी लोग सुन रहे हैं मेरे अपलायन, और मेरे साथी, मेरी टीम के लोग, और वो मेरी बात को पक्का करेंगे इस बात को कि हर ट्रेनिंग में आपने मेरे को देखा होगा, हर सिस्टम की एक्टिविटी, हर फंक्शन, हर मेरे को आपने हमेशा अवेलेबल पाया होगा। जो भी हमारे साथ तकलीफें रही, बीमार सारे लोग होते हैं, हम कोई प्लास्टिक के नहीं बने हैं, हम लोगों के साथ भी परेशानियां होती हैं, हम कोई बाबा जी नहीं है, हमारे भी घर बार है, बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है,
लेकिन हमने सिस्टम की संगति की। एक बार समझ लिया कि भैया सिस्टम की संगति में रहना, तो ऑलवेज मैक्सिमम इसकी संगति की। दूसरा संगति की हमारे, हमने अपने गुरुओं की, अपने अप्लायंस की। जिन जिन लोगों के साथ हम रहे, उन्होंने बहुत कुछ हमारी में वैल्यू एडिट की, हमको सिखाया, समझाया, वो गुण सिखाए, वो बारीकियां बताई इस बिजनेस की, जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ पर पहुंच पाए। और तीसरी संगति की मैंने किताबों की, ऑडियो वीडियो की। क्योंकि किताबों की संगति से क्या है, आप उन फिलोसफर को, उन लोगों को जिन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन दे दिया अपने एक उद्देश्य के लिए, पर्पस के लिए, उनको जब आप पढ़ते हो तो वो सब बातें, सब चीजें आपके अंदर चली जाती हैं। ऐसा बोला जाता है कि आप जब एक व्यक्ति के साथ 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उसकी पुस्तक पढ़ते हो, तो उसके विचार सालों पहले, जन्मों पहले जब वो मर गया होगा, उसके बावजूद भी उसके विचार आपके विचारों से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, आप उसकी संगत में रहने लग जाते हो। तो हम इतने महान लोगों की संगतों में रहते हैं। हम मैंने इतनी सारी बायोग्राफी पढ़ी, मुझे खुशी है आपको बताते हुए, और ये गर्व नहीं है मेरा, लेकिन एक अच्छी बात है आपके लिए, अगर इंस्पिरेशन हो तो मैं बताऊं कि मुझे 400-500 किताबें पढ़ने का अनुभव है इस बिजनेस में। आजकल मैं बहुत सारा पढ़ता हूँ, ये शौक है मेरा, रीड अलॉट, मतलब पढ़ना मेरे को हमेशा अच्छा लगता है, और मैं पढ़ने की हमेशा तरफदारी करता हूँ, हर ट्रेनिंग में, हर जगह, जहां भी मैं बात करूं और किताबों की बात ना करूं ऐसा हो नहीं सकता। कई लोग मेरे से चिढ़ते भी हैं कि ये शर्मा जी आएंगे बस वही किताबों की बात करेंगे, वही करेंगे, क्योंकि जिसने मेरे को बदला है, मेरी जिंदगी में इतना ज्यादा पॉजिटिव कुछ लाया है, मेरे को इतना परिवर्तित किया है, तो मैं हमेशा उसी की बातें करूंगा। तो मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ, आप अपनी संगत तीन चीजों की जरूर बनाइए, किताबों की, ऑडियो वीडियो की, और अपने अप्लायंस की, और सिस्टम की संगत में रहिए। फिर मैं बोलूंगा कि 100% समर्पण करिए। किस बात के लिए आप समर्पण करिए? 100% सिस्टम को, अपने अपलायन को, कंपनी को। क्यों क्यों समर्पित हो जाइए इसके लिए? क्योंकि समर्पण में बड़ी ताकत है दोस्तों। जब आप समर्पित होते हैं किसी बात के लिए, तो दूसरा व्यक्ति क्या है, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी लेना चालू कर देता है। एक छोटी सी अंधे का एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा क्योंकि इससे रिलेट हो रहा है। अंधे व्यक्ति को कभी आपने रोड पर मरते हुए नहीं देखा होगा, एक्सीडेंट में। क्यों? क्योंकि हर अंधा आदमी रोड पार करने से पहले समर्पित होकर अपना हाथ किसी के हाथ में पकड़ा देता है। और वो जो समर्पण है, वो जो दूसरे की ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अपना जब वो अकेला पार करता होगा तो एक बार इधर उधर रोड देखता होगा, लेकिन जब वो अंधे व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को, किसी को, असहाय को जब वो लेके जाता है, तो वो 4 बार इधर, 4 बार इधर, और बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही ईमानदारी से उसको रोड पार करवाता है। तो समर्पित हो जाइए, 100% डेडिकेशन दिखाइए। समर्पित आप किसी व्यक्ति के लिए नहीं होते, समर्पित आप अपने सपनों के लिए, अपने पर्पस के लिए होते हैं, इसलिए समर्पण होने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और सिद्धांत पालिए कुछ जिंदगी में। हमारा बिजनेस बहुत सारे सिद्धांत सिखाता है, 3 कार्डिनल रूल सिखाता है। जैसे ग्रेविटी है, उसका सिद्धांत बदल नहीं सकता, जैसे 3 कार्डिनल रूल्स हैं हमारे बिजनेस में, वो कहीं भी बदल नहीं सकते। ऑलवेज उन सिद्धांतों का पालन करिए जो हमने किया है, और अच्छे संबंध रखिए। चौथा सा है, अच्छे संबंध रखिए। तो संगति, समर्पण, सिद्धांत और संबंध, इन 4 सा में आपको 5 चीजें मिल जाएंगी। कम दोगे ज्यादा मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा। और मैं लास्ट अपनी बातें 2 बातों पर करके, एक फोकस थोड़ा सा आपको समझा के और एक्शन बता के बस मैं अपनी बातों की अंत की ओर हूं। मैं आपसे मिलना, बात करना बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, और ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का हमारा ओरिजिनल पेज है, मैं बाद में हो सकता है भूल जाऊं, तो आप इसी पर बने रहिए, हमेशा कनेक्टेड रहिए, और मेरी फेसबुक की, यूट्यूब की फैमिली, और जितने भी लोग हैं, और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम यूट्यूब पर हमारे जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग इस वीडियो को बार बार देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे जितने भी 6 लोगों ने बातें की थी, उन्होंने बहुत ही दमदार बात की थी, हमारे सीनियर्स थे सारे के सारे, उनकी बातों को ध्यान दीजिए, सीखिए, जानिए और ध्यान दीजिए। तो फोकस, फोकस क्या है? फोकस दोस्तों मैंने सीखा है, एक ऐसी गहराई की बात है कि अगर आपका फोकस सेट है तो जीवन में सब कुछ बढ़िया है। फोकस का एक एग्जाम्पल मैं अच्छा सा देता हूं कि अगर आपके पास 10 लाख का कैनन का कैमरा है और आप एक बढ़िया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, 15 साल से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप कैमरे का फोकस सेट ना करें, बस कहीं ऐसे क्लिक कर दिया, कहीं ऐसे क्लिक कर दिया, कहीं ऐसे क्लिक कर दिया, कभी ऐसे क्लिक कर दिया, बिना देखे, बिना फोकस सेट करे अगर आप क्लिक करें, 1000 फोटो खींचने के बाद भी आपकी एक भी फोटो परफेक्ट नहीं आएगी। कैमरा अच्छा है, फोटोग्राफर बहुत बढ़िया है, सब कुछ सही है, उसके बाद फोकस हिल रहा है। आपने बचपन में एक देखा होगा, कागज पर हम लोग अपने फादर का ग्लास या दादा का ग्लास लेके, चश्मे का टूटा हुआ, उससे वो जलाते थे,
और हम तुरंत क्या है ना, रोशनी में उसको करते थे और 2 मिनट के लिए फोकस सेट करते थे और कागज जलने लग जाता था। लेकिन लेकिन अभी आप वही सब काम कर लो, लेंस भी वही हो, सूरज की रोशनी वही, कागज भी वही, आप भी वही, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे जिग जैग करते रहो, थोड़ा थोड़ा हिलाओ, तो क्या होगा, तो आप बैठे रहो दिन भर, पूरी रात बैठे रहो, दूसरे दिन बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका फोकस एक्चुअली क्लियर नहीं है। इस बिजनेस में क्रिस्टल क्लियर फोकस चाहिए। ब्रूसली की एक बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को, ब्रूसली ने बोला है कि लेजर फोकस जो है वो आदमी को सफल बनाता है। लेजर फोकस, इस बिजनेस में लेजर फोकस चाहिए। मैं एक एग्जांपल बहुत अच्छा दे रहा हूं आपको, मैंने जो अभी अभी सुना है, सीखा है, वो ये है कि मान लीजिए आप एक बार अपने कमरे में राउंड लगाइए 2 मिनट में, और कमरे में राउंड लगाएंगे तो क्या होगा, आपको फोकस रखना है, इस बात पर ध्यान देना है कि कमरे में क्या क्या अव्यवस्थाएं हैं, खराब क्या है, आपकी टेबल कहाँ पड़ी है, गलत कहाँ पड़ा है, कांच कहाँ गलत पड़े हैं, चीजें कहाँ गलत पड़ी हैं, आप उसमें से नोटिस करिए, तो मैं पक्का बोल रहा हूँ अपने कमरे में आप 10-20 गलत चीजें जरूर ढूंढ लोगे जो कि अव्यवस्थित हैं, रखी हैं लेकिन तौर तरीके से नहीं रखी हैं। आप सेकंड सेकंड क्या है, कुछ चेंज करिए। मैं आपको एक कप देता हूँ, चाय से लबालब भर देता हूँ उसको, आखिरी टाइम एक बूंद और गुंजाइश ना हो, इतना लबालब, और आप कप को पकड़ते हैं जैसे हम पकड़ते हैं कप को पकड़ने की जगह से, और अब मैं एक शर्त रख देता हूं कि बस आप ऐसा करिए कि ये कप में से एक भी बूंद जो है चाय की वो छलकनी नहीं चाहिए, और आप फिर कमरे का राउंड लगाइए, आपको एक भी चीज उसमें से क्या है, कुछ भी खराब नहीं लगेगी, सब कुछ सही हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि मैंने आपका फोकस सेट करवा दिया, फोकस है कप की बूंद ना छलक जाए। अब आप पूरे कमरे में, पूरे जहान में, पूरी दुनिया में घूम लीजिए, लेकिन आपको ये फोकस जो है, फोकस जब तक कप पर रहेगा और चाय छलकने पर, छलके ना इस पर रहेगा, आप दुनिया में एक कमी, एक परेशानी, एक मुसीबत ढूंढ के नहीं बता सकते मेरे को। हम परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें ढूंढते ही तब हैं जब जबकि हमारा फोकस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, कहीं और जगह लगा होता है, कहीं और रहता है। इसलिए मैं एक लास्ट कहानी सुना के अपनी बात खत्म कर रहा हूं दोस्तों। ये उस समय की बात है कि जब हम लोग बोतल से पानी नहीं पीते थे, 20-30-40 साल पहले बोतल नहीं होती थी हिंदुस्तान में, तब क्या होता था, तब ग्लासों से पानी पिलाया जाता था। मैंने भी ऐसी यात्राएं करी हैं, तब बोतल नहीं होती थी, ग्लासों से मैंने पानी पिए हैं। तो ग्लास में कोई व्यक्ति मटके में लेके बैठता था, अपने लड़के रखता था पिलाने वाले, और वो लेके जाते थे ग्लासों को, ऐसे टांग के लेके जाते थे, और एक एक ग्लास कुछ कुछ रुपए का, 25 पैसे 50 पैसे का देते थे लोगों को। तो एक वाकया है, 40 साल पहले एक ट्रेन आके रुकती है स्टेशन पर, और स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो एक सेठ जी, बहुत ही समृद्ध, बढ़िया सोने की चैन पहने हुए, मोटे तगड़े, वो और एक लड़का है जो खिड़कियों से पानी पिलाने का ग्लास ले लेके लोगों को इशारे कर रहा है, वो जाता है और ग्लास ऐसे करता है, और सेठ जी पूछते हैं कितने का है, 25 पैसे का है, 50 पैसे का है, तो वो कोई जवाब नहीं देता, ग्लास को दोबारा रख लेता है, आगे बढ़ जाता है। एक मेरे जैसा दूसरा व्यक्ति वहां पे था, उसने बोला यार सेठ जी इतने उम्र दराज हैं, इतने ज्यादा समृद्ध हैं, पैसे वाले हैं, इनकी तू अवज्ञा कर रहा है, इन्होंने बोला कि कितने पैसे का है, तूने जवाब ही नहीं दिया। तो उसने क्या बोला आप जानना चाहते हो, उसने बोला 16 साल से पानी पिलाने का काम कर रहा हूं, जैसे मैं, मेरे को भी 16 साल हो गए इस बिजनेस में पानी पिलाते पिलाते, 16 साल से पानी पिलाने का काम कर रहा हूं, और 16 साल का तजुर्बा है मेरे को, लेकिन मैंने एक बात सीखी है 16 साल के तजुर्बे में, उन्होंने बोला कि जो पानी का भाव पूछता है उसको प्यास नहीं होती, और जिसको प्यास होती है वो भाव नहीं पूछता। अगर इनको प्यास होती, अंकल को, सेठ जी को, तो ये भाव नहीं पूछते 25 का है 50 पैसे का है, ये एक गिलास उठाते गटक से पी जाते, दूसरा गिलास उठाते गटक से पी जाते, बाद में पूछते बताओ बेटा कितने पैसे दूं। लेकिन जो पहले पूछ रहा है कि इसमें ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, ये करना पड़ेगा क्या, ऐसे होगा क्या, इतने सारे नखरे कर रहा है, इसका मतलब असली प्यास नहीं है। साथियों, अगर आपको असली प्यास है, वास्तव में जिंदगी बनाना चाहते हो, तो एक टॉप क्लास सिस्टम, टॉप क्लास कंपनी, टॉप क्लास आपका आपका अप्लायंस का, हमारा सारा का सारा जो समुदाय है वो आपका दोनों हाथ फैला के स्वागत कर रहा है, वेलकम कर रहा है। हम लोग आपके साथ आखिरी सांस तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि आप सारे के सारे लोग हमारे साथ आइए, हमारे साथ कमिट करिए, मिलिए हमसे और बात करिए, और इस बिजनेस में किसी भी कीमत पर अपने माँ बाप के सपने, अपनी जिंदगी की सारी प्यासें, अपनी दुनिया में जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी सपने हैं, वो सारे के सारे पूरे कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना मेरे को टाइम देने के लिए, और मैं जरूर धन्यवाद देना चाहता हूँ आखिरी में हमारे सारे सीनियर्स, हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को,
और आप सभी लोगों को जो इतना टाइम मेरे को आपने दिया, इतना ध्यान से सुना, दिल से सुना और इतना आपने साथ दिया, मुझे बहुत खुशी है आपके बीच में बात करके, बहुत ही आनंद आया आपसे बात करके। नाइस टू टॉक यू, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर, और आप इस बिजनेस में आशातीत प्रगति करें, जिंदगी बनाएं, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।